मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की कृषि उपज मंडी में आज 27 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि कृषि उपज मंडी प्रांगण में कृषि मंत्री के सहयोग से 27 करोड़ रूपये की लागत से विशाल कृषक सभागार के साथ ही अन्य सुविधाएं किसानों को सुविधाएं उपलब्ध होगी। वहीं मुरैना कृषि उपज मंडी प्रांगण में 27 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा कि कृषि उपज मंडी को अत्याधुनिक बनाने के लिए 27 करोड़ की लागत से कृषक सभागार सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। इन कार्यो का आज शिलान्यास भूमि पूजन किया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों में मुरैना के साथ ही मध्य प्रदेश के सभी मंडियों की दशा को बदलने के लिए कार्य किए जाएंगे। सुनिए और क्या कुछ बोले मंत्री एंदल सिंह कंसाना। तो जैसे हमारे सांसद जी ने कहा कि घर का परसने वाला होता है तो घूरे पे जाके परसता है, बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने, आदरणीय सुमंगल सिंह जी ने। एक आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों को ही आज सकल देख लो और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो 5 साल में मंडियों की सकल बदल देंगे, जी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आते थे उनके लिए न सीसीटीवी की सुविधा थी, न बैंक की सुविधा थी, अब मैं कौन कौन सी बातें गिनाऊं आपको। ठहरने के लिए हर व्यक्ति के पास मकान नहीं होता। अब हमारी सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को और मंडियों को सबसे अधिक फायदा होगा, यह मैं विश्वास पूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूं। अभी बता रहे थे कि वो आज के शिलान्यास कार्यक्रमों में। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।